हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। शैम्पू है, वो है गुड वाइब्स का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें सबसे ज़्यादा बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। मुझे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, जैसे डैंड्रफ हो जाता है, कई बार इची स्कैल्प हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप अपनी हेयर केयर रूटीन में एप्पल साइडर विनेगर को इंक्लूड करो। क्योंकि ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है इसलिए पैराबेंस फ्री है, साथ ही साथ क्रुएल्टी फ्री है और हर्बल प्रोडक्ट नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बालों पर बहुत अच्छा काम करता है। और एप्पल साइडर विनेगर रेंज अगर आप बाकी सारे ब्रांड्स में देखेंगे तो काफ़ी कॉस्टली रहती है, पर ये गुड वाइब्स का जो भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अफोर्डेबल रहते हैं, तो मैं इनको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर होने के कारण इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि जो भी बालों में इचिंग हो जाती है और जो डैंड्रफ हो जाती है, इन सारी चीज़ों को ये दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल फ्रिजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तब भी आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इस शैम्पू के की इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो एप्पल साइडर विनेगर तो है ही, साथ ही साथ इसमें कैलेंडुला भी है। कैलेंडुला जो है एक फ्लावर होता है जो कि बहुत सारे हेयर केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए। साथ ही साथ इसमें एलोवेरा भी है, तो एलोवेरा बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही इसमें है कैरेटिन, तो कैरेटिन के बारे में तो सबने सुना होगा, कैरेटिन ट्रीटमेंट। कैरेटिन भी बालों को मजबूत बनाता है, बालों को शाइनी बनाता है, फ्रिज फ्री बनाता है, तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो बात करते हैं ये प्रोडक्ट क्लेम क्या क्या करता है। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि बालों में जो भी डैमेज है उसको रिपेयर करेगा, साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करेगा, बालों में स्कैल्प पे कोई भी इन्फेक्शन है उसको दूर करेगा, ईची स्कैल्प हो गया उसको दूर करेगा, डल हेयर है, बालों में शाइन नहीं है, फ्रिजी है, अनमैनेजेबल है, इन सारी चीज़ों को ये ठीक करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे ये शैम्पू क्यों पसंद आया। तो मुझे ये शैम्पू इसलिए पसंद आया क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं जो बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे, बालों पे हार्श हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई माइल्ड शैम्पू से डैंड्रफ आपकी ठीक हो जाए तो आप ऐसे में इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर चुकी हूँ जो कि डैंड्रफ को तो एक बार में दूर कर देते हैं पर बालों की जो और हेल्थ होती है उसको ख़राब कर देते हैं। ये जो शैम्पू है ये डैंड्रफ को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ ओवरऑल जो बालों की हेल्थ है उसको भी मेंटेन करता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये शैम्पू एक बार में आपकी डैंड्रफ को बिल्कुल ठीक कर देगा, एक वॉश में कुछ नहीं होगा, पर हाँ जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा। साथ ही इसकी एक और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये ड्राई स्कैल्प पे बहुत अच्छा काम करता है। जब भी ड्राई स्कैल्प होता है ना तो बालों में इचिंग शुरू हो जाती है, डैंड्रफ होने का कारण भी ड्राई स्कैल्प है काफ़ी हद तक, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ड्राई स्कैल्प वालों को, जैसे कि बाल टूटना झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो ड्राई स्कैल्प को ये क्लीन तो बहुत अच्छे से करता है पर उसको ड्राई नहीं होने देता, और ज़्यादा ड्राई नहीं बनाता है जबकि बहुत अच्छे से नरिश करता है। तो मुझे लगता है कि ये ऑयली स्कैल्प पे तो ठीक ठाक काम करता है पर ये ड्राई स्कैल्प वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मैं शैम्पू को यूज़ करती हूँ आफ्टर ऑयलिंग। आफ्टर ऑयलिंग बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपके बालों पर, और ऑयलिंग के बाद शैम्पू कर लीजिए, शैम्पू के बाद कंडीशनर सीरम जब आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत परफेक्ट काम करता है। आपके कलर्ड हेयर हैं, आपने स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग जो भी करवाई हो आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा शैम्पू है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको पर्पल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। मुझे ये शैम्पू काफ़ी हद तक पसंद आया, मतलब एक ट्राई करना तो बनता ही है, और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक छोटे पैक के साथ ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला है आपको इसको परचेज करने के बाद। ट्राई करके देखो एक बार और जो भी आपके बाल पर कैसा काम करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपको जल्दी से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।